चाहिए अमरीन अल्ताफ की रिपोर्ट। यतीमों के सर पर दस्ते शफकत रखने वाले बेआसरों और गरीबों के मददगार अब्दुल सत्तार एदी की खिदमत नाकाबिले फरामोश है। कराची के शहरियों ने इनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए शाहराह फैसल के करीब वाके एडमिन सोसाइटी में एदी स्क्वायर कायम कर दिया। फैसल एदी ने एदी चौक का बाकायदा इफ्तिताह करते हुए शहरियों के इस इकदाम को सराहा। हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि एदी साहब को आज भी जो है वो लोग याद रखते हैं और इनकी खिदमत को सराहते हुए अपनी इलाके की जगहों को जो है वो उनके नाम मंसूब कर रहे हैं। एडी स्क्वायर के इफ्तिताह के मौके पर मर्द, ख्वातीन, बुजुर्ग और बच्चों समेत स्पेशल अफराद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। शहरी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले एडी साहब की खिदमत के पेश नज़र नोबेल इनाम उनका हक है। अब्दुल सत्तार एडी साहब को जो है वो नोबेल अवार्ड के लिए जो है नॉमिनी करें, क्योंकि वो इतनी बड़ी शख्सियत थी हमारे लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए, जो उनकी खिदमत थी वो फरामोश नहीं की जा सकती। छोटा सा खराज अकीदत एडी साहब के लिए पेश किया है और अल्लाह करे कि ये जो है हमारी कोशिश जो है वो सारी पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको हाईलाइट किया जाए और इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट एडी साहब को प्रमोट किया जाए। यूँ तो अब्दुल सत्तार एडी की खिदमत कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती, ताहम कराची में तामीर किया गया एडी स्क्वायर इनकी यादें हमेशा जिंदा रखेगा। कराची में एडी स्क्वायर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि अब्दुल सत्तार एडी को खिराज अकीदत पेश करने की ये एक छोटी सी कोशिश है। कैमरामैन मुशब्बिर अली के साथ अमीन अल्ताफ, कराची अब तक।